जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। अनुमान द्वितीय सोपान परीक्षा के अंतर्गत एक प्रश्न आता है, अनुमान लगाना। अनुमान लगाने के अंतर्गत दूरी का अनुमान, चौड़ाई का अनुमान, लंबाई का अनुमान, गहराई का अनुमान एवं ऊंचाई का अनुमान इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे चौड़ाई का अनुमान किस प्रकार लगाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं चौड़ाई का अनुमान हम किस प्रकार लगाते हैं। सबसे पहले चौड़ाई का अनुमान लगाने की जो विधि है उसे हम त्रिकोण विधि कहते हैं। त्रिकोण विधि क्या है, इसे किस तरह, इस विधि के द्वारा हम किस तरह चौड़ाई का अनुमान लगा सकते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो जानने के लिए चलिए देखते हैं हम त्रिकोण विधि का उपयोग करके हम चौड़ाई का अनुमान किस प्रकार लगाते हैं। माना किसी नदी की चौड़ाई का अनुमान लगाना है तो हम किस प्रकार लगाएंगे, क्योंकि नदी के उस पर जाकर के तो नदी की चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो हम स्काउट और गाइड में हैं और स्काउटिंग गाइड के अंतर्गत अनुमान लगाना के बारे में बताया जाता है। उसी अनुमान लगाना विधि के द्वारा हम त्रिकोण विधि के माध्यम से हम चौड़ाई का अनुमान लगाएंगे। उसके लिए देखते हैं अब किस प्रकार हम त्रिकोण विधि के माध्यम से चौड़ाई का अनुमान लगाते हैं। चलिए हम जानते हैं त्रिकोण विधि के माध्यम से हम नदी की चौड़ाई का अनुमान हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले नदी की चौड़ाई का अनुमान लगाने के लिए हम त्रिकोण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। त्रिकोण विधि के माध्यम से हम उस नदी की चौड़ाई का अनुमान कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो उसके अलावा हम एक मानिए से हम नदी मान लेते हैं। इस नदी की हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है तो चौड़ाई ज्ञात करने से सबसे पहले हम नदी के उस पार तो जाकर के इसकी चौड़ाई ज्ञात कर नहीं सकते, हमें इस पार रहकर ही नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नदी के उस पार कोई एक वस्तु को हम चिन्हित करेंगे। जैसे उस पार चाहे वो पेड़ हो सकता है, पेड़ पौधा, झाड़ी या पत्थर, यानी किसी प्रकार का वस्तु उसे हम चिन्हित करेंगे। तो मानिए उस पार हमें एक पेड़ दिखा, नदी के उस पार हमें एक पेड़ दिखा, इस पेड़ को हमने एक्स मान लिया। उसके बाद उसके समांतर यानी जिस तरफ नदी के उस पार हमने जिस वस्तु को चुना था उसकी सीधी रेखा में हम नदी के इस तरफ भी हम एक वस्तु को लेंगे, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, झाड़ी हो गया या वो पत्थर हो गया या वो पेड़ हो, यानी कोई भी वस्तु जिसे हम इस चीज में चिन्हित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भी एक पेड़ को ही चुना, इधर भी एक पेड़ दिखा। अब इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने ए मान लिया। अब ए मानने के बाद क्या करेंगे हम, यानी समकोण बनाते हुए हम लोग यहाँ से ए बिंदु से हम बी बिंदु की ओर यानी 20 कदम लेंगे। हम इधर से चलते तो ये हमारा समकोण बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बिंदु से हमने इधर से 20 कदम चला, कितने कदम, 20 कदम। 20 कदम चलने के बाद हम वहाँ पे रुक जाएंगे, उसे हमने बी माना। यानी ए बिंदु से चलने पर ए बिंदु से हमने 20 कदम चला, 20 कदम चलने के बाद उसे हमने बी माना। अब बी से हम फिर पुनः 20 कदम फिर और आगे चलेंगे, यानी यहाँ से भी हमने चला धीरे धीरे, यहाँ से भी मैंने 20 कदम लेकर कैसे हमने सी मान लिया। यानी सबसे पहले हम नदी के उस पार एक वस्तु को चिन्हित किए, उसे हमने एक्स माना, उसके समांतर रेखा में हमने एक नदी के इस पार भी हमने एक वस्तु को चुना, उसे हमने ए माना। उसके बाद ए से हमने 20 कदम चला, ए से हमने 20 कदम चला, यानी समकोण बनाते हुए हमने एक 20 कदम चला। 20 कदम चलने के बाद हमने बी पर उसे 20 कदम चलने के बाद उसे हमने बी माना, बी बिंदु माना। बी बिंदु मानने के बाद बी से भी हम आगे चले 20 कदम और आगे चले, उसे हमने सी बिंदु माना। अब क्या करना है, अब जहाँ हमने बी बिंदु माना था वहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लाठी को खड़ी कर देंगे। इस प्रकार हम एक लाठी को खड़ी कर देंगे, लाठी खड़ी कर दी। लाठी खड़ी इसलिए करते ताकि हम दूर से भी वो वस्तु हमको दिख जाए। उसके बाद क्या करेंगे, हम सी पर पुनः समकोण बनाते हुए, पुनः 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम नदी के विपरीत दिशा में चलेंगे। यानी नदी जिस तरफ है उस तरफ हमारा पीठ होगा और दूसरे तरफ हमारा चेहरा होगा। तो नदी के विपरीत दिशा में हम यहाँ से जब सी से हम चलना शुरू करेंगे तो आपको हमेशा अपने कदम को गिनकर चलना है कि कितने कदम हम चल रहे हैं। तो हमने सी से चलना शुरू किया और हमारी नज़र इस पेड़ से यानी एक्स बिंदु पर टिका हुआ, यानी हम
अपना सर को घुमा करके हमने तिरछी नज़र से हम इस एक्स बिंदु को देख रहे हैं। तो हम चलते जा रहे हैं, चलते जाने के बाद आपको देखना है कि हमारा जो हमारा एक्स बिंदु है वो बी से कब क्रॉस कर रहा है। यानी हम जो देख रहे हैं, हम देखते समय देखेंगे चलते समय कि हमारा जो बिंदु है वो बी बिंदु से हम एक्स बिंदु पर कब ये क्रॉस कर रहा है। मानिए हमने चलते चलते यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो एक्स बिंदु है वो बी को क्रॉस कर रहा है, यानी दोनों को एक समांतर मध्य में आ गया है। तो अब क्या करेंगे, हम अपना चलना रोक देंगे। यानी हमने जहाँ से सी से चला था वहाँ हमने कदम को चलना रोक दिया और इसे हमने डी माना। डी मानने के बाद यानी हम सबसे पहले बात पुनः आपको फिर से बता देते हैं कि सबसे पहले हमने एक्स ऑब्जेक्ट माना उस तरफ, यानी एक पेड़ को हमने एक्स माना। उसके समांतर रेखा हमने एक पेड़ और लिया, इसे हमने ए माना। ए मानने के बाद हमने समकोण बनाते हुए, यानी इस प्रकार हमारा समकोण बन गया, समकोण बनाते हुए हमने 20 कदम चला। 20 कदम चलने के बाद हमें एक लाठी को गाड़ दिया। लाठी को गाड़ने के बाद हमने फिर पुनः 20 कदम चला। 20 कदम चलने के बाद हम यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 20 कदम चलने के बाद हमने फिर सी से नीचे की ओर चलना शुरू किया, यानी नदी की विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। हम पुनः सी बिंदु से फिर हम क्या किए, सर को घुमाते हुए हम इस एक्स बिंदु को देख रहे थे कि हमारा एक्स बिंदु बी से अब कब क्रॉस करता है। तो हमने क्या देखा, सी से जब कदम चलना शुरू किए, धीरे धीरे कदम चलना शुरू किए, तो हमने देखा यहाँ पर चलने के बाद हमने देखा कि हमारा जो एक्स बिंदु हो ये से बी से क्रॉस कर रहा है, यानी बी और एक्स एक सीध में आ गया है। तो हम क्या किए, चलना को बंद कर दिए या उसे हमने डी मान लिया। अब डी मानने के बाद आपको क्या करना है, हमारे सी से सी और डी की जो दूरी है वही हमारे एक्स और ए की दूरी होगी। इस प्रकार हम नदी की चौड़ाई का अनुमान लगा सकते हैं। यानी सी से और डी तक हमने जितना कदम चला था उसे हम नाप लेंगे, वही हमारा एक्स और ए की दूरी होगा। यानी नदी की चौड़ाई हमारा वही होगा, जो हमारा सी और डी की दूरी होगी वही हमारा एक्स और ए यानी नदी की चौड़ाई होगी। इस प्रकार हमने त्रिकोण विधि के माध्यम से नदी की चौड़ाई हम ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी हमारी पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्कॉटिश से जुड़ी सब प्रकार की जानकारी हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। साथ ही साथ आप सभी को एक और बात बता दें कि प्रत्येक शनिवार को डिजिटल स्काउटिंग के लाइव सेशन से आप जरूर जुड़ें। प्रत्येक शनिवार शाम 3 बजे डिजिटल स्काउटिंग द्वारा एक लाइव सेशन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्काउटिंग से जुड़ी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उन प्रश्नों का उत्तर देकर आप क्विज प्रतियोगिता के विजेता बन सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को आप सभी डिजिटल स्काउटिंग के इस लाइव सेशन से जरूर जुड़े। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।